ज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड ऑविन आज के मैं इस वीडियो में कॉन्जेंट के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहा हूँ वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट है तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो वीडियो में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा उसके अलावा चैनल की जो रिसेंट वीडियो है अगर आपने नहीं चेक किया है नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज एक बार जरूर चेक करें चैनल की रिसेंट वीडियो अभी भी बहुत सारे कैंपस की लिंक एक्टिव है कुछ अच्छी हायरिंग अपडेट वहाँ पे आ रही है जो मैंने आप लोग को अपडेट दिया था तो प्लीज आप लोग चैनल की रिसेंट वीडियो एटलीस्ट फर्स्ट रो की जरूर चेक करें ओके okay. सो so, कल बहुत सारे स्टूडेंट को सर्वे में लाया, है ओके फॉर सी आई एस रोल के लिए इमिडिएट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन कॉन्गेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस ओके सो ये उन जिनको में मिलाया था बीस जनवरी को एंड सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सर्वे मेल फिल कर दिए मुझे ये कल ही अपडेट देना चाहिए था बट but... अनफॉर्चुनेटली मैं दे नहीं पाया तो आज मैं आप लोग कुछ डाउट क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सर्वे मेल नहीं फिल किया और सारे messages mail मुझे आ रहे हैं ओके okay. तो यहां पे मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि सर्वे मेल में आपको क्या फिल करना है सिलेक्शन मिला है उसके विद इन वीक में जिसको ऑफर लेटर आ चुका है बीस जनवरी वाले फेज वाले स्टूडेंट को ऑफर लेटर भी आ चुके थे बहुत सारे स्टूडेंट को तो उनका ऑनबोर्डिंग स्टेटस क्या है उनका ऑनबोर्डिंग कब होगा जो स्टूडेंट ऑलरेडी पीडी ज्वाइनिंग करके बैठे हुए हैं

कॉन्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के लिए एंड uh, आपको ये अगर चाहिए तो ये सर्वे लिंक है उसको ओपन करके आपको फिल कर देना है फोर्थ मार्च से पहले ओके okay, कल रात बारह बजे तक आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट फिल कर दिए जो नहीं फिल किए अभी आप लोग फिल कर दो आज कल मॉर्निंग तक कर देना तो आ, इसका देख लेते हैं कि आ, क्या है इसमें इस सर्वे लिंक में एंड क्या आप लोगों को करना चाहिए आ, जो मुझे लगता है एंड जैसे ही आप सर्वे लिंक फिल करते हो तो आपका ऑफ़र लेटर आप लोग को विद इन वीक के अंदर मिल जाएगा तो या सो सर्वे मेल फॉर सियाल दिस मेल रिसीव दोज गॉट सिलेक्शन मेल ऑन ट्वेंटी जनवरी 2022 जो 20 जनवरी को सिलेक्शन मेल मिला था वो सारे स्टूडेंट को है अच्छा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे 20 जनवरी को जिनको सिलेक्शन मेल आया था उनको विद इन वीक उसी टाइम पच्चीस छब्बीस जनवरी तक उनको ऑफर लेटर आ चुका था तीस जनवरी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट को पैट्रॉल के लिए ओके सो बीस जनवरी को बहुत सारे स्टूडेंट स्टूडेंट को को सिलेक्शन मिला है बट उसमें से कुछ पैट्रॉल के लिए आगे ऑफर लेटर विद इन वीक एंड कुछ स्टूडेंट अभी तक पेंडिंग में थे उनको आज सर्वे लिंक आया है ओके एंड दो सिलेक्टेड दे सिलेक्टेड फॉर बट दे ऑफर सी इंजीनियर ट्रेनिंग रोल ये इंजीनियर ट्रेनिंग रोल भी इसको बोलते हैं ओके तो ये आपका सी आई एस और इंजीनियर ट्रेनिंग रॉल के लिए आपको अभी सर्वे मेल सेंड किया है बट आप लोग तो रिटर्न एग्जाम या फिर इंटरव्यू तो आपका पैट रॉल के लिए हुआ था तो देख लेते हैं सर्वे लिंक में क्या होता है सर्वे लिंक में तीन ऑप्शन तीन आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फर्स्ट आपको सुपर सेट आई देना है सेकेंड ईमेल मेल आई देना है एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यस नो टिक करना है आपको ये सी आई एस रॉल चाहिए इंजीनियर ट्रेनिंग की या नहीं चाहिए उसमें यस yes, नो no, करना है मैं बोलूंगा आप लोग यस करो ओके मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को यस yes, फिल करना चाहिए अब क्यों करना चाहिए वो सबका मैं रीज़न देता हूँ आप लोग और अच्छा डिसीजन ले पाओगे तो रीजन सबसे पहले मैं दे दूँ आप लोग को पैड वर्सेस सी एस सी आई एस ओके या फिर आप इंजीनियर ट्रेनिंग बोलो सब सेम है इंजीनियर ट्रेनिंग भी आप इसको बोल सकते हो इंजीनियर ट्रेनिंग ऑल तो आ, दोनों का पैकेज सेम है फोर पॉइंट जीरो वन एल पी ए पैकेज सेम है सेम इनहैंड सैलरी मिलेगी ग्रोथ रेट सेम है तो आप लोग को अगर आप पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आप लोग मत सोचो ठीक है पैकेज दोनों का सेम है तो आप अगर पैसा के लिए सोच रहे हो तो फिर आप लोग तो ले ही लो सी आई वॉल पीए टी का पता नहीं कब आपको मिलेगा सेकेंड चीज जो वैलिड रीजन में दे रहा हूँ पैट इज गुड ऑब्वियस सीआईएसई टी से बेटर है पैट ठीक है पैट से आप डेवलपर बन सकते हो टेन परसेंट स्टूडेंट डेवलपर बनते हैं और एक्चुअली uh, सारे स्टूडेंट डेवलपर uh, बनते हैं बट उसमें टेन परसेंट स्टूडेंट को डेवलपर का प्रोजेक्ट मिलता है बाकी स्टूडेंट को क्लाउड सॉरी सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलता है तो पैट इज़ गुड डेफिनेटली बट ओनली फॉर सी एस आई टी स्टूडेंट सी एस आई टी स्टूडेंट के लिए पैट अच्छा है बाकी स्टूडेंट uh, के लिए लाइक like, वो ट्रीट इक्वल ट्रीट होते हैं सी सी आई एस और ई टी के जैसे Not for other अब वो क्या है रीजन जैसे आप पैट के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपका टेस्ट होता है. टेस्ट में आपके दो आप चार क्वेश्चन जावा की ओर रहेंगे अगर आप जावा करते हो, तो चार क्वेश्चन आपके एसकोएल के रहेंगे अगर आप दो दो क्वेश्चन दोनों में सोल्व करते हो देन आपको पैट के अंदर डोमेन मिलता है फुल एस्टैक इंजीनियर का जो फेल कर जाते हैं एसोलेसन टेस्ट में उनको सी प्लस प्लस टेस्टिंग क्लाउड ये सब मिलते हैं जो पास कर जाते हैं उनको फुल एस्टैक इंजीनियर का मिलता है अगर आप सी एस आई टी हो तब आपको सोचना है लेकिन जितने स्टूडेंट को ये सर्वे लिंक आया है वो कोई टी स्टूडेंट है नन स्टूडेंट है तो पैट में आपको जाओगे भी तो 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 आपका टेस्ट होगा ही ही नहीं तो आप तो फुल स्टैक इंजीनियर का भूल जाओ सपना और अगर आप अदर ब्रांच हो फिर भी आपको सी प्लस प्लस डेवलपर का कमी चांस मिलता है क्योंकि जो सी एस आई टी स्टूडेंट है जो एसन टेस्ट में फेल कर जाते हैं उनको सी प्लस प्लस मिलता है तो आप लोग को अगर आप पैट में जाते भी हो तो आप लोग को टेस्टिंग मिलेगा तो टेस्टिंग और सीआईएस ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों अलग अलग चीज है बट अगर वैल्यू करें तो दोनों सेम ही इंजीनियर ट्रेनिंग रोल ले लो या फिर टेस्टिंग ले लो अगर वैल्यू की बात करें ग्रोथ की बात करें तो दोनों इक्वल है और पैकेज में तो आप लोग का कॉम्प्रोमाइज हो नहीं रहा है पैकेज तो दोनों का सेम है तो आप लोग पैट के लिए क्यों वेट करना जब आपको सियास मिल रहा है तो टाइम की वैल्यू होती है हमेशा ओके एंड अगर आपको अच्छा कहीं ऑफर मिलेगा आप कॉन्ग्रीजन कभी किसी दिन छोड़ सकते हो इसमें यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है एंड ऐसा नहीं है गैज कि अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग रॉल में ज्वाइन कर रहे हो तो आप जे डेवलपर रॉल के लिए नहीं जा सकते हो ओके आप प्रमोशन नहीं ले सकते हो दूसरे फील्ड में आप ले सकते हो वहाँ पे आप एसोसिएट बन सकते हो हायरिंग भी आती है वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो तो इन पैट अदर ब्रांच स्टूडेंट गॉड डोमेन सिमिलर टू सी आई एस रॉल वॉन मैं आप लोग को यह चीज़ समझा दिया नेक्स्ट चीज़ मैं बोलता हूँ कि uh, जो स्टूडेंट नो टिक कर देंगे थर्ड वाले क्वेश्चन uh, में यस yes, नो no, में नो no कर देंगे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि उनको रिजेक्ट किया जाएगा या फिर पैट ऑफर होगा बट ठीक है मैं श्योर नहीं हूँ बट यस मेरे अकॉर्डिंग uh, यस yes, आप लोग को करना चाहिए आई एम गेसिंग फिफ्टी फिफ्टी चांस रहेगा आप लोग को uh, कि रिजेक्शन मेल भी आ सकता है एंड फिफ्टी चांस रहेगा कि आपको पैट रॉल भी मिल सकता है ठीक है uh, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन मेल आ चुका है तो सिलेक्शन मेल के बाद आपको रिजेक्ट करना तो फिर कॉन्गेंट का यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं लगेगा ठीक है कि सिलेक्शन मेल के बाद वो आप लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के लिए आपका सिलेक्शन मिला आया पे के लिए आपको एक तरह का ऑफर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इमीडिएट हायरिंग आया हुआ है सीआईएस पे इन प्रीवियस सर्वे दो दोस्त नो अच्छा कुछ स्टूडेंट का ये डाउट है कि जो पहले एक सर्वे मेल आया था उसमें जो स्टूडेंट नो टिक कर दिए थे या फिर उसको फिल ही नहीं किए थे उनको रिजेक्शन मिला गया था लेटर ऑन ठीक है वो सारे स्टूडेंट को रिजेक्शन मिला गया था आप लोग सही बोल रहे हो कि उनको रिजेक्शन मिला गया था बट उनको सिलेक्शन मेल भी कभी नहीं आया था उनको सिलेक्शन मेल कभी नहीं आया था उनको डायरेक्ट सर्वे मेल

और तो ये ऑफर मेल आपको मे बी वन वीक में आ जाए वन मंथ में आ जाए इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ बट ऑनबोर्डिंग आपका जून से पहले नहीं होगा इसका मैं श्योर हूं ठीक है अगर आपको नो no, अगर आप सीआईस रोल के लिए करते हो तो पैट ऑफर आपको मे बी uh, एक, एक वीक वन मंथ में आ भी जाए लेकिन ऑनबोर्डिंग आपका जून से पहले नहीं होगा क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट है वो क्यू में लगे हुए हैं तो पहले उन लोगों को ऑनबोर्डिंग होगा फिर आपको ऑनबोर्डिंग होगा ये आप लोग का क्लियर हो गया तो आप लोग यस नो देख लो आपको क्या करना है ओके एंड दूसरे स्टूडेंट का डाउट है दोज ऑलरेडी रिसीव्ड ऑफर बट वेटिंग फॉर ऑनबोर्डिंग तो दो टाइप के स्टूडेंट है जो ऑफर लेटर जिनको आ गया और ऑनबोर्डिंग के लिए बैठे हुए हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए फर्स्ट जिनको मंथ ऑफ ज्वाइनिंग मालूम है ठीक है जिनको मंथ ऑफ ज्वाइनिंग की मेल आ गई थी जिनका फैब में होना था मार्च में होना था अप्रैल में होना था तो उनको उसी मंथ में मिल जाएगा Osionfish. एक दो वीक लेट हो सकता है जैसे फरवरी स्टूडेंट को कुछ स्टूडेंट का भी बाकी है तो उनका दस मार्च तक उन लोग को फोर्टीन मार्च तक उन Locke, उन लोग लोग का मैक्सिमम को करा दिया जाएगा डेट ऑफ जॉइनिंग जो मार्च वाले स्टूडेंट कुछ बच जाएंगे तो अप्रैल मंथ में पंद्रह अप्रैल तक उन लोग को करा दिया जाएगा जनवरी वाले स्टूडेंट जो बचे हुए थे उनको चौदह फरवरी तक करा दिया करा दिया गया था मे भी एक दो स्टूडेंट अभी भी जनवरी वाले बचे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आप लोग को वही जो मंथ मिल जाएगा एक दो वीक आप लोग का लेट हो सकता है बीस जनवरी को जो ऑफर हुए थे स्टूडेंट उनका अप्रैल मई से पहले ऑनबोर्डिंग नहीं होगा मई में, में ही होगा अप्रैल में भी कमी चांस है तो बीस जनवरी ऑफर स्टूडेंट जिनको बीस से छब्बीस तीस जनवरी के बीच में जिनको ऑफर लेटर आया था उनका भी प्री ज्वाइनिंग वगैरह चल रहा होगा अगर नहीं चल रहा है तो वो सब आ जाएगा एंड आपका ऑनबोर्डिंग जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मई से पहले नहीं होगा और एक चीज़ और मैं बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको भी ऑफर्ड आ गया है उनका ऑनबोर्डिंग डेफिनेटली होगा तो आप लोग परेशान मत होना एंड सी की अभी भी हायरिंग ऑन है इसकी लास्ट डेट आज ही है तो यहाँ पे आप पैकेज देख सकते हो फोर है एंड डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो यही आपके सर्वे uh, मेल में भी यही जॉब डिस्क्रिप्शन ना होगा ओके आई होप गाइज आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू ऑल द बेस्ट